कक्षा छः विषय हिंदी। विद्यार्थियों, आज मैं आपके समक्ष एक बहुत ही अच्छी कहानी लेकर प्रस्तुत हुआ हूँ। यह कहानी कक्षा छः में कई बार परीक्षा में पूछी गई है। ऐसा नहीं है कि हर साल यह ही कहानी पूछी जाती है, आपको कुछ कहानियाँ तैयार करनी होगी, उन कहानियों में से कोई भी कहानी आ सकती है। लेकिन यह कहानी भी एक महत्वपूर्ण कहानी रही है जो हमें काफ़ी बोध भी दे जाती है। तो आइए, आज मैं आपके समक्ष प्रस्तुत करता हूँ एक महत्वपूर्ण कहानी। एक बार पुनः विद्यार्थियों, सर्व जीव हितावह श्री स्वामी नारायण कुमारशाला कण्भा स्वामी नारायण गुरुकुल में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत करता हूँ। विद्यार्थियों, सर्वप्रथम मैं यह जो कहानी है उस कहानी के मुद्दे आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ। हमेशा परीक्षा में जब भी कहानी पूछी जाएगी तो साथ साथ में कहानी के मुख्य पॉइंट्स, मुख्य मुद्दे अवश्य आते हैं और उन मुद्दों के अनुसार ही आपको कहानी लेखन कार्य करना होता है। लेकिन याद रखिएगा, कहानी लिखने से पहले आपको कहानी का शीर्षक भी लिखना होगा, कहानी का नाम भी लिखना होगा। जो कहानी लेखन में दिया गया नहीं होगा, आपको कहानी के मुद्दे समझने होंगे, उसके बाद आपको सोच रखनी होगी, सोच बनानी होगी कि आखिर यह जो कहानी दी गई है या जो कहानी के मुद्दे दिए गए हैं उसका नाम क्या हो सकता है। तो आप सर्वप्रथम कहानी का शीर्षक लिखिएगा। कहानी के मुद्दे आपको नहीं लिखने हैं, कहानी के जो पॉइंट्स दिए गए हैं वह नहीं लिखने हैं। सर्वप्रथम आप कहानी का शीर्षक लिखिएगा और उसके बाद कहानी लिखिएगा। लेकिन कुछ विद्यार्थी क्या करते हैं कि पूरी कहानी एक साथ लिख देते हैं। नहीं, पैराग्राफ अनुसार व्यवस्थित आपको कहानी लिखनी होगी। तो आइए, मैं सर्वप्रथम कक्षा छः के नन्हे प्यारे अच्छे स्टूडेंट्स के लिए यह जो कहानी है वह लेकर प्रस्तुत हुआ हूँ। कहानी के मुद्दे देखते हैं। एक लकड़हारा पेड़ पर चढ़कर लकड़ी काटते समय कुल्हाड़ी का नदी में गिरना, देवदूत का नदी से आकर सोने की कुल्हाड़ी देना, यह मेरी नहीं, फिर चांदी की कुल्हाड़ी देना, यह भी मेरी नहीं, लोहे की कुल्हाड़ी को स्वीकारना। लोहे की जो कुल्हाड़ी है उसका स्वीकार करना, इनाम सीख। तो मैंने पहले ही आपके लिए कहानी के मुद्दे प्रस्तुत कर दिए हैं। आप जब भी एग्जाम देंगे तो कहानी के ये जो मुद्दे हैं वह क्वेश्चन पेपर में अवश्य दिए गए हैं। तो आइए प्रस्तुत करते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण कहानी जिसका नाम हो सकता है ईमानदारी का फल अथवा लकड़हारा और देवदूत। यहाँ हमने देखा कि लकड़हारे की बात की गई है और देवदूत की बात की गई है। तो कहानी का एक शीर्षक हो सकता है लकड़हारा और देवदूत। फिर कहानी में मुख्य बात की गई है विद्यार्थियों ईमानदारी की, यह जो लकड़हारा है उसकी ईमानदारी की बात है। तो आइए, मैं प्रस्तुत करने जा रहा हूँ महत्वपूर्ण कहानी ईमानदारी का फल अथवा लकड़हारा और देवदूत। रामू नाम एक गरीब लकड़हारा था। वह रोज जंगल में जाकर के लकड़ी काटता था और शाम को उस लकड़ी को बेच करके थोड़ा बहुत पैसा कमाता था। लकड़ियों की इस बिक्री से मिले पैसों से उसके परिवार का गुजर बसर होता था। तो यहाँ हमने देखा विद्यार्थियों कि एक लकड़हारा है, वह लकड़ी काटता है, लेकिन लकड़ी की इतनी आमदनी नहीं कि वह काफ़ी मात्रा में धन कमा सके, इसलिए वह थोड़ा बहुत धन उस लकड़ी को बेच करके कमाता था। इससे उसके परिवार का गुजर बसर होता था, लालन पालन होता था। अब एक महत्वपूर्ण घटना बताई गई है कि पेड़ पर चढ़कर लकड़ी काटते समय कुल्हाड़ी का नदी में गिरना। यहाँ हम एक नया पैराग्राफ लिखेंगे, बनाएंगे, एक व्यवस्थित पैराग्राफ बनाएंगे।
एक दिन रामू जंगल में दूर निकल गया। वहां उसकी दृष्टि नदी किनारे पर एक पेड़ पर पड़ी। यह पेड़ सूख गया था। रामू सोचने लगा कि अरे पता नहीं क्यों इतना बड़ा पेड़ क्यों सूख गया। वह तुरंत उस पेड़ के ऊपर चढ़ गया और उस सूखे पेड़ की डाली को काटने की सोचने लगा। वह सोचने लगा आज तो मुझे बहुत लकड़ी मिल जाएगी, इस लकड़ी को बेचकर मैं बहुत धन कमा सकता हूँ। जैसे उसने उस सूखे पेड़ को काटने के लिए अपनी कुल्हाड़ी चलाई कि कुल्हाड़ी हाथ से छूट गई और वह जाकर के नदी में गिर गई। रामू तो झटपट नीचे उतरा और नदी में जाकर के कुल्हाड़ी को ढूंढने का प्रयास करने लगा, लेकिन उसको कुल्हाड़ी नहीं मिली। इस पर रामू बहुत दुखी हुआ। वह सोचने लगा कि अरे मैं यह लकड़ी नहीं काट पाऊंगा तो अपने परिवार का लालन पालन कैसे करूंगा। यह सोचते हुए वह नदी के किनारे उदास होकर के बैठ गया। इतने में वहां एक देवदूत आया। कौन आया? देवदूत। देवदूत नदी में से आकर के सोने की कुल्हाड़ी लेकर आए थे। उन्होंने आकर के कहा कि अरे ओ भाई तुम कौन हो। रामू ने अपना परिचय दिया। इससे देवदूत ने कहा तुम बहुत गरीब हो, नदी से मैं तुम्हारी कुल्हाड़ी लेकर के आया हूँ, लीजिए यह कुल्हाड़ी। लेकिन रामू ने देखा कि वह कुल्हाड़ी तो सोने की थी। उसने देवदूत को कहा कि अरे देवदूत आप जो कुल्हाड़ी मुझे दिखा रहे हैं वह सोने की है, आप मेरे लिए देवदूत से कम नहीं, यह सोने की कुल्हाड़ी लेकर के आए हैं। इस सोने की कुल्हाड़ी से मैं बहुत धन कमा सकता हूँ, लेकिन मैं एक ईमानदार हूँ और ईमानदार के लिए बेईमानी की चीज अच्छी नहीं होती। मुझे यह सोने की कुल्हाड़ी नहीं चाहिए, मुझे तो लोहे की कुल्हाड़ी चाहिए। इस पर देवदूत ने कहा तुम चिंता मत करो, मैं अभी नदी में जाकर के तुम्हारी कुल्हाड़ी लेकर के आता हूँ। देवदूत तुरंत नदी में गए। उन्होंने नदी में डुबकी लगाई। डुबकी लगाने के बाद वह एक कुल्हाड़ी लेकर के आए और उन्होंने कहा कि लो तुम्हारी कुल्हाड़ी मिल गई। इस पर लकड़हारे ने कहा यह तो चांदी की कुल्हाड़ी है, यह भी मेरी नहीं है, मेरी तो लोहे की कुल्हाड़ी है। इस पर देवदूत ने कहा ठीक है मैं पुनः जाता हूँ, मैंने नदी में एक और कुल्हाड़ी देखी थी, मैं लेकर आता हूँ। देवदूत पुनः नदी में जाते हैं और नदी में डुबकी लगा करके एक अन्य कुल्हाड़ी लेकर के आते हैं। इस पर लकड़हारा रामू बहुत खुश हो गया, कहने लगा कि अरे वाह मुझे मेरी लोहे की कुल्हाड़ी मिल गई, मुझे मेरी कुल्हाड़ी दे दीजिए। अरे महाराज आपका खूब खूब धन्यवाद। रामू की ईमानदारी देखकर देवदूत बड़ा खुश हुआ। उसने लोहे की कुल्हाड़ी के साथ साथ सोने और चांदी की जो कुल्हाड़ी थी यह कुल्हाड़ी भी रामू को इनाम में दे दी। रामू ने दोनों कुल्हाड़ी का स्वीकार किया और देवदूत का खूब खूब आभार माना। सीख, ईमानदारी एक अच्छा गुण है, ईमानदारी का फल मीठा होता है। तो यहाँ सीख भी आपको लिखनी होगी परीक्षा में। तो ये कहानी के मुद्दे थे, कहानी की सीख देखेंगे। सीख, कहानी का सीख होगा, कहानी की सीख होगी ईमानदारी। ईमानदारी का फल, ईमानदारी का फल अच्छा होता है, अच्छा होता, ईमानदारी अच्छा गुण है, ईमानदारी
अच्छा गुण। विद्यार्थियों, बहुत ही महत्वपूर्ण कहानी आपके समक्ष प्रस्तुत की। यह कहानी आप अच्छी तरह से समझेंगे, यह पूरा वीडियो अच्छी तरह से देखकर कहानी समझकर आप हिंदी की नोटबुक में यह कहानी अवश्य लिखिएगा। अब मैं आप सभी विद्यार्थियों से इजाज़त लेता हूँ। जय स्वामी नारायण।